पूर्वांचल के बाहुबली नेता और विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस ने मुख्तार अंसारी के नेटवर्क के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। ये अभियान मऊ गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक जारी है। कहीं उनके बेटे के नाम से कब्जे की आरोपी संपत्तियां गिराई जा रही हैं, तो कहीं समर्थकों के अवैध कब्जों पर जेसीबी चलाई जा रही है। पिछले दिनों हमने आपको गाजीपुर, मऊ और लखनऊ में हुई ऐसी ही कार्रवाइयों की एक झलक दिखलाई थी। अब यूपी पुलिस से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो मुख्तार अंसारी के लिए चिंताजनक हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी से जुड़े 15 लोगों को चिन्हित कर उनकी सूची बनाई है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया है कि मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों का एक नेटवर्क लखनऊ में काम कर रहा है। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क मुख्तार अंसारी की संपत्तियों और उनके कामों की देखरेख करता है। अब पुलिस की निगाह इसी नेटवर्क को ध्वस्त करने पर है। यही वजह है कि बीते दिनों लखनऊ पुलिस ने मुख्तार के नेटवर्क से कथित तौर पर जुड़े 2 लोगों को जिला बदर भी किया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि मुख्तार अंसारी के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। यूपी में चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को इसी ऐलान से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक हैं और फिलहाल पंजाब की जेल में हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद हैं। मुख्तार अंसारी के नेटवर्क पर हुई कार्रवाई को लेकर गाजीपुर में भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सत्ता पक्ष से जुड़े लोग जहां इस तरह के एक्शन की तारीफ कर रहे हैं, वहीं मुख्तार समर्थक इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। फेसबुक पर भी लोग 2 भागों में बटे नजर आ रहे हैं। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।